काफी सारे लोग हैं जिनसे अनएक्सपेक्टेडली मैसेजेस आए, लोगों ने हमारे को आइडियाज दिए, सो दैट रियली हेल्प्ड अ लॉट, मच अप्रिशिएटेड। याद रखा जाएगा आप सबको, एक दिन जब हमारा चैनल बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमारे को यकीन है कि होगा। वेलकम टू माइल चेजर्स एवरीवन। आज बहुत स्पेशल दिन है, स्पेशल सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपने जो टाइटल देख के सोचा है कि हम वैक्सीनेट होने वाले हैं फुल्ली। एक डोज लग चुकी है, सेकंड आज लग रही है, मुझे पापा और मम्मा को लग चुकी है दोनों, बट हमारी अधूम लग जाएंगे यार, तो बड़ी खुशी सी हो रही है कि चलो मतलब फुल्ली वैक्सीनेट वाली जो खुशी है ना। दूसरी चीज़ ये है कि खुशी वाली बात भी है, बट जब मम्मा के लिए थोड़ी सी ज़्यादा दुख वाली बात भी है। क्या मामा जी जा रहे हैं? वो तो मेरे को बेटा बहुत अजीब है, कल से ही मेरे को दोपहर से बड़ा माइंड अपसेट होता है। हाँ, तो जिन लोगों को नहीं पता, ऑब्वियसली किसी को नहीं पता है, बता दूं तो हमारे जो मामा जी हैं, जो हमारे फेवरेट हैं, है ना, तो वो पूरी फैमिली जो है वो कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो बस एक आध दिन में चले जाएंगे, और हमारा उनके साथ हमेशा से बहुत ज्यादा है ही, तो मामा थोड़े से ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। और हमें पता है जो विकास भी है वो हमारे सारे व्लॉग्स देखते हैं, सब व्लॉग्स पे कमेंट करते हैं, सो आप कनाडा जाके भी देखना, आपको बहुत ज्यादा मिस तो करेंगे ही। और आपको मिस करने से याद आया, स्पेशल चीज बन रही है, अब तक आप खा चुके होगे, लेकिन व्लॉग में अब आप देखोगे, मैं आपको एक बार दिखाई दूं। एक सेकंड रुको, देखो देखो क्या बन रहा है, हटा भी दो। ओए राजमा, स्पेशली विकास भैया आपके लिए राजमा बनाया मम्मा ने, कि अब जाने से पहले आपको एक बार राजमा जरूर खिला दें, क्योंकि आपको मम्मा के राजमा पसंद है ना भाई। हाँ, उसको बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं कहा जरा बना के खिला दूं, जा रहा है फिर पता नहीं कितने साल बाद मिलेगा मुझे। इतने साल बाद क्यों मिलेंगे, मिल ही जाएंगे जल्दी, ऐसी बात थोड़ी है, नॉर्मल बात है, इतने साल बाद क्यों मिलेंगे। और यार मुझे भी आप सबसे मिलने का बहुत ज्यादा मन था, बहुत ज्यादा, मगर आज वैक्सीनेशन भी है और मेरा शो भी है, प्लस शिफ्ट भी है, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा, बट मन था मेरा भी बहुत ज्यादा मिलने का। हाँ, यशु भी कह रही है उसका भी बहुत मन था जाने का, मिलने का। हाँ, बट वैक्सीनेशन है तुम लोगों की यार, तो तुमने जा सकते। मेरी शिफ्ट है यार, शिफ्ट मैं शिफ्ट वो भी। हाँ, वही ना। और दूसरी चीज, चटनी देख के तो समझ आ गया होगा, अप्पे नहीं है आज। अच्छा, उस दिन हमने आपको बताया अप्पे होते हैं, उनको हमने अप्पम बोल दिया व्लॉग में, अप्पम बोल दिया, हमें पता ही नहीं था, सवा 11 बजे छुट्टी में नाने बैठे, मैंने टाइम दिखा दिया घड़ी में सबको, उठ चुकी थी तो अब कैसे सेट कर रही है। आज ना पता है मैं सोच रहा था व्लॉग नहीं करने वाला था, जैसे मैंने बोला था, बट आज वैक्सीनेशन था इसलिए व्लॉग कर रहा हूँ मैं, वरना मैं करता ना, है ना। आज जाना है मैं, फिर से मेरे को इंजेक्शन लगेगा गंदे वाला। अबे आप थोड़ी गंदे वाला लगेगा यार, उस दिन लग तो गया, अभी तक दर्द है। जिन लोगों को नहीं पता ना, इस बेचारी को उस दिन इंजेक्शन लगा था जब इसको वर्टिगो वाला सीन हो गया था, रात को हम लेके हॉस्पिटल गए थे, जब इतना गंदा इंजेक्शन लगाया था, मतलब ऐसे खून की धार निकलती मैंने कभी नहीं देखी किसी के हाथों से, जो इसके निकल रही थी। अभी तक मेरे उस बट देखो सामने मेरा सेटअप भी हो रखा है, शो है मेरा थोड़ी देर बाद, तो मैं अभी ब्रेकफास्ट करके शो निपटाऊंगा। पहले इडली बनी हुई है, मगर ये बंदी कल से ढोकला ही खाया जा रही है भाई, 1 किलो ढोकला इसने मंगवाया है। अकेले अकेले थोड़ी मंगवाए मैंने, 2 मैंने उसमें से खाए हैं, आधा किलो का डब्बा खत्म हो चुका है, दूसरा इसने खोल लिया, इतना ढोकला खाती है। मुझे ढोकला अच्छा लगता है, कितना भी अच्छा लगता है, बंदा सुबह शाम ढोकला ही खा रहा है। तुम्हारे लिए भी लेकर आती हूं, मुझे नहीं चाहिए, मैं अपनी इडली खा रहा हूं। अब तुम खाओगे? देखो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। खा लिया ब्रेकफास्ट, हो गया तेरा? जस्ट हैड। अरे जस्ट हैड, ये चिल मार रहे हैं, छुट्टी मना रहे हैं, सैटरडे फील, और यहाँ पर हम देखो काम करके शो खत्म करके आ रहे हैं। तुम्हारी छुट्टी थी तो, और वैसे भी तुम, मेरी छुट्टी कहाँ मनाई जाती, मैं तो पड़ा रहता हूँ अकेले, रूम लॉक करके बैठे थे, मैं क्या करती, शो था मेरा। चलो शो काटे फटाफट, उसके बाद बात करते हैं। आ गए? अरे हाँ, मिलाए अपने भैया को। बिल्कुल अच्छा लगा, पर थोड़ा होता है। राजमा दे दी विकास भैया को? हाँ, राजमा दे दिए, बहुत अच्छे, बहुत खुश हो गए। अच्छे लगे राजमा? नहीं लगे। अभी तो मेरे सामने विकास भैया ने तो नहीं खाए, कड़ी चावल बना रखे थे उन लोगों ने। चलो सही, फिर मैं कहा चलो तुमको अच्छे लगते हैं इसलिए मैं राजमा बना के लाई हूं। दे दिए ना राजमा एक बार आपने, अब जब आएंगे तब खिलाना।
अब आएंगे तो तब भी खिलाऊंगी। चलो हमें तो खिलाओगे आज? हाँ क्यों नहीं, मेरा क्यों नहीं है। हाँ ये तो अपने उसी पे खुश है, हम भी दिखाएंगे पापा क्या खोल रहे हैं। पापा का नया टॉय आ गया है भाई, अब लगे रहो इसी पे। गाने में चलाना नहीं तो मुझे कॉपीराइट आ जाएगा। सारे गामा भी है, यूएसबी भी है, एफएम भी। एफएम तो सुन सकते हैं कि एफएम भी नहीं है? कुछ भी सुन सकते हैं, लेकिन अभी मत चलाओ, मेरा कॉपीराइट आ जाएगा भाई। तो इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि ये हमने मामा जी को गिफ्ट करा था, बट वो मैंने बताया था जैसे कैनेडा जा रहे हैं तो वहाँ पर ये चलेगा नहीं। सो ये हमारे को वापस मिल गया, अब ये हम सुनेंगे। पापा तो बड़े ही खुश हैं कि सारे गामा कारवा नाम है ना इसका, अब ये घर में पूरा दिन यही चला के रखेंगे। चलो भाई रुक क्यों गई थी, गर्मी देखो मेरे को इस यहाँ पे मिरर में देख लो, यशवी को यहाँ पे देख लो, गर्मी लगानी पड़ेगी। पंखा नहीं चला सकते हम क्योंकि हम लिफ्ट में आए हैं। तो भैया फाइनली वैक्सीन हमारी लग रही है, फुली वैक्सीनेटेड। पहली तुम्हारी लग चुकी है और ये महीने में हमारे को शुरू में लगवानी थी सेकेंड डोज, बट इसके चक्कर में लगवा पाए क्योंकि इसको टाइफाइड हो गया था, डॉक्टर ने मना करा था, बट आज फाइनली। और उसी हॉस्पिटल में अब हम दोबारा जा रहे हैं लगवाने, जहां से बड़ा इंजेक्शन लगाया था और भी दर्द हो रहा है। वीकेंड ट्रैफिक लगा हुआ है, सैटरडे का ट्रैफिक है सारा। टाइम क्या हो रहा है? 555 बजने वाले, ट्रैफिक देख लो। ये पता क्यों लगता है, ये बाहर वाली पार्किंग के चक्कर में बाहर की तरफ लोग गाड़ी लगा के जाते हैं। वैसे टू वे जोन है, उठती हैं गाड़ियां। एक तो वैक्सीन लगा कर आओ और घर आओ तो लाइट नहीं है, लिफ्ट नहीं चल रही। चलो चौथे फ्लोर तक। ओ चौकीदार, चौकीदार आगे चल लाइट जला के। वैक्सीन के बाद मुझे उसने मना करा है कि मैं वर्कआउट ना करूं, तो मैं नहीं चढ़ूंगा। मैं ही रहूं। चलो फिर। अभी अभी हम वैक्सीन लगा कर आए हैं और कोई आया हुआ था हमारे घर पे और उन्होंने दिया हमारे को घेवर। किस किस को घेवर पसंद है हमारे को जरूर कमेंट करके बताना। और मुझे यही वाला पसंद है जो थोड़ा सा मलाई वाला हो, ड्राई वाला मुझे इतना पसंद नहीं है। वैक्सीन लग गया भाई हमारे को, घेवर खा लिया। देख मैंने लेफ्ट हैंड से वैक्सीन लगाया, लेफ्ट हैंड से उठा रखा और जिम करके मेरे लेफ्ट हैंड में दर्द भी है। ओके, जब भी मैं आके यहाँ पर ब्लॉग करना शुरू करता हूँ ना, पानी जरूर चलाती है। कहाँ भाग रही है? आप कहाँ भाग गई? बाल गंदे से आ रहे हैं। तो बाल गंदे से आ रहे हैं तो घर पे ही तो है, हम इसको चेज करके आता हूँ, ऐसे कैसे जाने दूंगा। क्यों भाग रही है? मैंने जूड़ा बनाया हुआ था, हर बार जूड़े में ले लेते हो मुझे। तो क्या हो गया, कैसी फालतू की बातें हैं। अब हम हो गए फुल्ली वैक्सीनेटेड। ओह यस। चल टिकटे करा यूएई की, कहीं दुबई शुबई चले। दर्द हो रही है? अरे चला है, तेरे मारूंगा। पिछली बार मारा था ना, और भाई पराठा खाएगा। बट जो भी है, देखो एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, मैंने पिछले व्लॉग में बोला था, व्लॉग नहीं व्लॉग, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मैंने पिछले व्लॉग में बोला था कि मैं अब शायद ये वाले डेली व्लॉग्स में डालूंगा, और ये डेली व्लॉग्स की तरह मत देखो यार, आज वैक्सीनेशन एकदम से हमारा डिसाइड हुआ जाना है। थोड़ा सा ना बिजी है, कुछ हम प्लान कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिप्स, यू नो।
तो अब हम ऐसे प्लान वीडियोस ही डालेंगे, और ये वैक्सीनेशन वाला आ गया तो मैंने कहा चलो यार इसकी तो बनानी बनती है। सो अभी देखते हैं, नेक्स्ट वीक भी व्लॉग बनने ही वाले हैं क्योंकि बहुत तगड़ी चीज होने वाली है, उसके बारे में आपको पता चल ही जाएगा, जब वो होगी तभी देखना। यार मेरी बाजू बोल रही है दर्द, मैं ये रखता हूँ, आपको बताना था कि घर हम आ गए हैं, अब बस काम वाम निपटाते हैं, मैच चल रहा है इंडिया का, फिर कुछ खाते पीते हैं। और हाँ, हमारे को बोला था आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना है आपने वैक्सीन के, बट उसके बाद हो गया आधा घंटा, तो मैंने अब घेवर खा लिया। ये गर्म है, बहुत गर्म है, तो ये गर्म है और मुझे मना कर दिया गया खोलने को, नहीं तुम, बट मैं राजमा सुबह लोगों को दिखा चुका हूँ। आज हमारे राजमा यशवी ने जस्ट अभी चावल मैंने खत्म करे और मैं जल्दी खाने वाला हूँ क्योंकि भूख भी लग रही है, और घर में जब राजमा चावल की खुशबू हो जाए ना तो उस दिन ज्यादा मन करता है खाने का। नहीं और वो खुशबू आ चुकी है और वो में पानी भी आ चुका है, पता चल गया। चलो मैं नारियल सर्व कर रही हूं। एंड वन मोर थिंग गाइस, आज हम जिम नहीं जा पाए क्योंकि हमारे को वैक्सीन लगवानी थी। सुबह सोचा था कि लग थोड़ा सा जिम करके फिर वैक्सीन के लिए चले जाएंगे, जो हमारी सेकंड डोज थी, बट देन मुझे लगा कि नहीं यार एग्जर्शन ना करें, एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, कल कर देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं जा पाते। अगर प्रॉब्लम नहीं हुई, बॉडी ठीक रही, तो कल जाएंगे, अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम लगी तो कल अवॉइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी पूरा साल पड़ा यार ठीक होने के लिए। सेकेंडली आई वॉन्टेड टू थैंक एवरी वन ऑफ यू जिन्होंने हमारे को मैसेजेस करे हैं और कॉमेंट करके बताया है कि आप लोग कितना पसंद करते हो हमारे व्लॉग्स को, क्योंकि फ्रेंकली हमारे को पता था कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे मोटिवेटेड थे व्लॉग्स को बनाने के लिए, डेली व्लॉग्स के लिए दैट इज, बट देन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये हो रहा था कि यार शायद अपना कॉन्टेंट रीथिंक करें, जो कि अभी भी हम करेंगे, बट देन योर मैसेजेस एंड कॉमेंट्स रियली मोटिवेटेड अस, है ना भाई? यस यस, काफी सारे लोग हैं जिनसे अनएक्सपेक्टेडली मैसेजेस आए, लोगों ने हमारे को आइडियाज दिए, सो दैट रियली हेल्प्ड अ लॉट, मच अप्रिशिएटेड। याद रखा जाएगा आप सबको, एक दिन जब हमारा चैनल बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमारे को यकीन है कि होगा, ठीक है? तो चलो डिनर करते हैं, फिर एक बार बात करते हैं, क्योंकि आज का हमारा थोड़ा सा प्लान है वीकेंड का लेकर, है ना भाई? सैटरडे नाइट। हाँ, थोड़ा सा कैमरे का कोई इशू आ गया था शायद, तो बंद हो गया, बट हम यही बात कर रहे थे कि आज वीकेंड भी है, सो रात का भी थोड़ा सा प्लान है, तो रात में चावल खाएंगे, लेकिन थोड़े खाएंगे हम, क्योंकि रात तो थोड़ा सा तो खाएंगे, और कुछ भी ठीक है, जिम कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं, जिम कर रहे हैं तो ठीक है, और अब तो वैसे ही थोड़े टाइम बाद खा रहे हैं। और वैसे भी मैं सच बताऊं, मैंने अब पिछले 2-3 दिन से कुछ ऐसा खाया नहीं है, बाहर नहीं खाया, दो क्या खाया यार, क्या खाया, मैं कोई तो कह रही 2-3 दिन क्या बात है भाई, जिम करते एक हफ्ता हुआ है, जिम करते एक हफ्ता हुआ यार, कितना बड़ा तीर मारा है, वाह वाह, जिम करते एक हफ्ता हुआ है, बट याद आपको मूवी नाइट, एक सेकंड नहीं, लोग बोले कि 2-3 हफ्ते से नहीं खाया या 2-3 महीने से नहीं खाया, तो बात भी इतने कॉन्फिडेंटली बोले 2-3 दिन से नहीं खाया, तो मैंने सबको बोला मैं खाऊंगा तो सही जिम के साथ, ठीक है कोई बात नहीं, बट हाँ सैटरडे, बट हाँ सिंपल सी बात है कि आज तो खाएंगे थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, और मूवी देखेंगे साथ में, तो थोड़ा तो चिल करना बनता है ना भाई? नहीं, यस, सो गाइस अभी बज रहे हैं 3 सुबह के 3 है, अगला व्लॉग नहीं शुरू हो गया, सुबह के 3 बज रहे हैं, आपको हमने बताया था कि आज है हमारी मूवी नाइट और हम रात को कुछ तो खाने वाले हैं, बट उसमें हमारी होगी ट्रेजेडी, हमने अभी तक आपको दिखा दिया होता क्या खा रहे हैं, क्या सीन है, बट क्या हुआ वो यशवी बता देगी। सबसे पहले तो हमने 1 बजे ऑर्डर, 1 बजे नहीं, 12:15 के अराउंड ऑर्डर किया, 12:30 अराउंड, 12:20 के अराउंड ऑर्डर किया, और हमारा ऑर्डर कुछ 2:30 अराउंड आया, मुझे तो लग रहा था कैंसिल ही हो जाएगा, कैंसिल ही कर देते यार। बर्गर किंग से ऑर्डर करा था हमने और स्विगी के थ्रू करा था, बट जो भी हुआ चलो ठीक है यार, इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, बट टाइम लग गया, जैसे भी बर्गर किंग की गलती थी उसमें आया, और उसने हमारे को दे दिया है जी चिकन बर्गर, और मेरा ही बर्गर ऐसे करना था, मेरे ही बर्गर के साथ लव का भिजवा दिया। नहीं, हम वेजिटेरियंस हैं और हम चिकन खाते भी नहीं है, और उसके बाद इतनी देर, मतलब जो कहते हैं ना जंग लड़ी गई है उनसे हमारी, मैं अपना बैठ के प्लेट लेके बैठी, अरे वाह मेरा बर्गर आएगा, जितना खुश, और खोला तो भैया ब्लेंडर टाटा फिश ही आ गई, तो मेरा तो ठीक था, तो हमने वही आधा आधा करके खाया, बट भगवान क्या चाहते हैं, भगवान जी भी ये कह रहे थे कि यशवी जिम कर रही है, बर्गर मत खा, तो यही हुआ, इसीलिए पहले हमारा ऑर्डर डिले हुआ और उसके बाद तो फिर मेरा तो आया ही नहीं, बट ठीक है हम अभी जितना भी खा लिए ठीक है यार, अब बट बात ये कि अब स्विगी से बात होगी, उन्होंने थोड़ा बहुत रिफंड कर दिया, बट पता है प्रॉब्लम क्या होती है, जब बंदा सोच के बैठा होता है ना तो प्लान खराब हो जाता है, इतनी देर तक वेट करो, अब इस टाइम मन नहीं करता, अब 3 बजे हम दोबारा से ऑर्डर करें, तो कोई बात नहीं, अब जितना भी है खा पी के करके खा लिया तो सही रहा, मेरा बर्गर खा गई मोटी भाई, शेयर किए सारा थोड़ी खाए मैंने
तो खाया ना मेरा बर्गर, तेरा नहीं आया था। बहुत तेज अब नींद आ रही है। हाँ, तेज तो नहीं आ रही मुझे, इसी को आ रही है तेज। वैक्सीनेशन हमारी आज हुई थी, आपको बताया था। तू ठीक है? एकदम बढ़िया। अभी तक तो अभी तक मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, बट देखते हैं सुबह तक क्या हाल रहता है, जो अपडेट होगी आपको बता देंगे। प्लस एक बार फिर से थैंक यू सो मच गाइस, जिन्होंने हमारे को आज इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस करके मोटिवेट करा। तो व्लॉग्स तो आते रहेंगे, पहले भी आने वाले थे, और जैसे मैंने बोला कि हमारा कॉन्टेंट नया होने वाला है, थोड़ा बहुत वो भी होएगा ही, बट व्लॉग्स बंद नहीं हो रहे। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि व्लॉग्स बंद हो रहे हैं क्या, क्यों हो रहे हैं? बंद नहीं हो रहे, बंद नहीं हो रहे, चेंज करने के लिए और क्या क्रिएटिव कर सकते हैं, तो वो सब अभी भी होगा। सो अभी इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं यार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है फॉर व्हाट सो एनी रीज़न, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। और एक और चीज़ यार, चलो मैं ये वाली बात ना कल के व्लॉग में करूँगा, वेट करना इस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरी ना, चलो बता देता हूँ छोटी सी बात। मेरे जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे एक जॉब ओपनिंग है, तो अगर किसी को अप्लाई करना है तो कर सकते हो, स्पोर्ट्स की है, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में। सो मैं सारे डिटेल्स आपको नेक्स्ट व्लॉग में बता दूंगा, तो देखना ज़रूर है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो कर दो अप्लाई। सो मिलते हैं यार कल दोबारा से बढ़िया से किसी व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अस अ पार्ट ऑफ योर डे। गुड नाइट। डायलॉग नहीं मारा तूने, मैं वही वेट कर रहा था कि डायलॉग मारेगी कि नहीं है, मैं मारूं। वो तो है ही, आप है तो हम है, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं। आप है तो अम है, हम है यार। किसने बोला आप है तो अम है? अम मैं तो आम नहीं हूँ, तू है आम कर बुझे हम। चलो यार सोई नहीं दो इसको, तो बावली हो गई है। ठीक है चलो मिलते हैं दोबारा से।